अगर आपको कुछ हो जाता, आपके हाथ पर टूट जाते, लूले लंगड़े हो जाते तो क्या होता? अरे हम तो ऐसे ही कह रहे थे, भला भगवान का कुछ हुआ थोड़ी ना, हम तो बस कह रहे थे। आपके बाबूजी ना बिल्कुल कठोर दिल के हैं। बाप रे बाप, कोई अपन बेटा के साथ ऐसा करता है का? कसाई की तरह, जैसे कोई सांड भैंसों को मार रहा हो, सट सट सट। बोलो, उनके तो हाथों नहीं दुखे। अरे बक्सर वाली दुल्हन आप यहाँ बैठी है, और वो पूछिया लोग रिद्धि सिद्धि रो रो के पागल हो रहे हैं आपके लिए। कहो, जाके थोड़ी देर के लिए दादी के पास हो आए। गए थे वहाँ, लेकिन वो तो वहाँ बैठने को तैयार ही नहीं। काहे के लिए बड़े ठाकुर वहाँ बैठे हैं ना, ई बकत उनसे बहुत डरी हुई है। कह रही थी बेचारी, दादाजी हमको भी मारेंगे का? हाँ मारेंगे उनको। अब एक बवाल हो तब ना। ए रिद्धिया के पापा, हम जाएं? अक्सर वाली दुल्हन आप जाइए जाइए, हम है ना, हम ख्याल रखेंगे छोटे ठाकुर का। और हम तो ही कहेंगे बक्सर वाली दुल्हन कि पूछा लोगों को ना आप कोनो दूसरे कमरे में ले जाइए, आप इतनी छोटी हैं, अपने बाप को ये हालत में देखेंगे तो परेशान नहीं होंगी। हाँ सत्यानाश, हम भी ना छोटे ठाकुर एकदम पगला गए हैं। बक्सर वाली दुल्हन को तो हम कह दिए कि हम आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन बात है ना कि पूरा चौका ऐसा गंदा पड़ा है, और अगर हम यहाँ आ जाए आपके पास तो बड़ी ठकराइन बहुत गुस्से आएगी। हाँ हाँ तुम जाओ, अपनी जगह जमुनी को भेज देते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सोची। अरे इतने जख्म हैं, दर्द हो रहा है, एक एक आदमी तो जरूरी पड़ेगा, भेज दो जमनी को। सारा दर्द है तो हो जाएगा। और जहां जहां घाव है अच्छे से मलहम लगाना। ले छोटे ठाकुर को कहीं देखे हैं का? जी नहीं। कहाँ गया? छेद सही नहीं है या धागा में कोनो गड़बड़ी है, पता नहीं कब से कोशिश कर रहे हैं। अरे हट जा, बुढ़ापे में सब यूं ही चिटक के भागते हैं। बोले थे लोहा से देवघर से रुद्राक्ष की माला लाना, माला लाने के बजाय रुद्राक्ष लाके हमरे कपार पे रख दिया, अब बैठ के गुथो। तो काहे नहीं किसी को बुला के गुथवा लेते हैं माला? हम नहीं चाहते कोई से हाथ लगाए। तुम कर सकती हो, हम तो बाकी लोगों के बारे में कह रहे थे। हम जानते हैं तुम ये काम कर सकती हो, तो तुम हमारी मदद करो, आओ।
अब जिंदगी की माला बिखरने वाली है। ये माला कैसी बनेगी हमसे? लेकिन तुम्हारा हाथ लगेगा तो बन जाएगी। लो। लो। क्या देख रही हो? वो अपना कमरा में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। यही लिए तुम परेशान हो? अरे वो बच्चा है का कि कहीं खो जाएंगे, जब उनका मन हुआ वापस आ जाएंगे। बात वो है कि उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना। तो ठीक हो जाएगी तबीयत, और का मतलब एक ही हो तुम। वो का चीज हो, खुद को दासी कहती हो, नौ की दुल्हन कहलाई जाती हो और चिंता ऐसी करती हो जैसी दासी नहीं तुम उनकी बीवी हो। गलत नहीं कह रहे हम, अपनी आंखों में देखो, इनमें दासी की मजबूरी है इंतजार करना, लेकिन बीवी की बात कुछ और है। उसकी मजबूरी नहीं है इंतजार करना, बल्कि उसके भीतर की तड़प है अपने अधूरेपन को पूरा करने की तड़प। उसके तन मन का एक हिस्सा पास नहीं होता है ना, तो उसकी आंखें खुद ब खुद उसे तलाशने लगती है। और उसके इंतजार में तड़पने लगती है। हमरे भीतर ऐसा कुछ नहीं ठाकुर साहब, गलत कह रहे हैं। हमको जाना होगा ठाकुर साहब, वो आ गए हैं। रुको, इधर आओ। आओ इसको शंकर जी का आंसू कहते हैं। कहते हैं इसको पास रखने से बल मिलता है। लो। वो भले झूठ बोले लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। हो सकता है ये सच उसको भी पता ना हो कि ये सब उसके साथ कब हुआ, लेकिन वो देख सकता है, पक्का देख सकता है कि वाकई में नौ की दुल्हन भले ही शेखर की दासी हो, लेकिन अब दुल्हन जैसा महसूस करने लगी है। ये थी शेखर को जहर दिया जा चुका था। अभी चांद
अब दिन प्रतिदिन बढ़ेगा और जैसे जैसे वो बढ़ेगा शिखरवा की जिंदगी दिन प्रतिदिन छोटी होती जाएगी। छोटे ठाकुर संभाल के। अरे हुर्ति का है नहीं, तब से कोशिश कर रहे तो नहीं कहोगे। हुर्ति का है ना। आपका तबीयत खराब लग रहा है छोटे ठाकुर, अंदर चल के आराम कीजिए। देख कितना गर्म हो रहा है, चल। पता नहीं लाना है, पढ़ाएंगे इसे। चीज का ध्यान रखिएगा कि ये बात हम ही दोनों के बीच में रहे, आप किसी और से ये बात की चर्चा नहीं करेंगे। छोटे ठाकुर की तबीयत बहुत ही खराब, बुखार है उनको, गोश्ती से गिर गए अभी तो। जहर मारने वाली दवाइयां दे दीजिए, बहुत ही तकलीफ में छोटे। क्या सोच रही है तू, तेरी इस नौटंकी में हम फंस जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहे ठाकुर साहब, भरोसा नहीं है तो चल के देख लीजिए, खुद की सोच भी नहीं है उनको। तो हम क्या करें, ये तो लक्षण है जहर की शुरुआत के। इसका ये मतलब नहीं कि वो मर जाएगा। हाँ बुखार सुखार होगा, उल्टी शुल्टी आएगी, जाओ ख्याल रखो उसका, आगे और भी खराब हालत हो सकती है। यही लिए बिना समय बर्बाद किए जो हम काम दिए उसे पूरा करो, समझी। अब जाओ यहां से।
तेरा काम पूरा कर देंगे, लेकिन पहले जोर खत्म करने वाला दवाइयां दीजिए। छोटे ठाकुर को इतना तकलीफ में नहीं देख सकते। छोटे ठाकुर का राग अलापना बंद कर, उसकी पीड़ा नहीं देखी जाती। काहे समय बर्बाद कर रही है, जो काम हमने दिया है पूरा कर। ये ठीक नहीं है ठाकुर साहब, इस हल का तारा तकलीफ तो समझना चाहिए आपको। उनको इस तरह परेशान नहीं कर सकते आप, हम ऐसा करने नहीं देंगे। सुबह सुबह हम लेकर जाएंगे उनको वैद्य के पास। हमारी परमिशन के बगैर इस हवेली में पत्ता तक नहीं हिलता। उसको लेके जाने की बात बहुत दूर की, गांठ बांध ली बात को। जहर वाली बात किसी के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए इस पूरे परिवार में। अगर पहुंची तो समझ लेना करार खत्म। इसलिए चालाकी मत दिखाना। खिलाफत हमको बिल्कुल पसंद नहीं, और ये बात अच्छी तरह जानती है तू। जानते हैं, और वे भी जानते हैं कि हम छोटे ठाकुर को इसे तड़पते नहीं देख सकते। जो होगा देखा जाएगा। हम उनको बैठे के पास लेकर जाएंगे। पतंग उड़ी गई, कट गई, जिंदगी बर्बाद। बस गए हो तन मन, भावना ये है पढ़ सको अगर पनप रहा अपनापन। इसको शंकर जी का आंसू कहते हैं। इसको पास रखने से बल मिलता है।